ओके, आप लोग इधर देखें, हम लोग पिछले लेक्चर में यानी पोजीशन वेक्टर की बात किए थे। आज हम लोग पोजीशन वेक्टर को 3D में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अब फील भी हो जाएगा तुम लोगों को। देखो 3D में जब भी बात करते हैं ना, तो एक लेंथ की भी बात करते हैं, विड्थ की भी बात करते हैं, हाइट की भी बात करते हैं, लंबाई की भी बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं और गहराई की भी बात करते हैं, यानी हाइट की, ऊंचाई की। सो इसको तुम लोग थोड़ा देख लिए, अज्यूम कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और जो इधर ये वाला लाइन जो है क्या है, जेड एक्सिस है। सब बच्चे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर 3D में अगर तुमको इमेजिन नहीं कर पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे, बातों को समझ नहीं पाओगे, तो दिक्कत होगा समझने में। सो जो ये तुम्हारी तरफ जो जा रहा है, इसको बोलते हो जेड एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, दिख रहा है क्या? ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे पर लंब होता है। क्या होता है? अब कोई वेक्टर है, पेन ले लेते, पेन है क्या किसी पास? पेन दो, पेन, ये वेक्टर है, ये वेक्टर जो है इस तरह है, स्पेस में है, इसको बोलते हैं स्पेस में, ध्यान से देखना, ये स्पेस में, देख रहे हो, स्पेस में है, देखा, ये स्पेस में वेक्टर है। अगर ऐसे ले ले वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसे लेंगे तो इसको बोलेंगे जेड एक्सिस के अलोंग है, ऐसे वेक्टर लेंगे तो, बट अगर सुनो, अगर ऐसे ले ले, यहाँ पर देखो, ये एक्स वाई प्लेन में है, किसमें है, इधर नहीं, बीच में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस का जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अभी जो वेक्टर है अभी किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, अब बताओ अब किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, फील आ रहा है क्या? ऐसे वेक्टर क्या बोलोगे, एक्स जेड प्लेन में, बट ऐसे है ना, तो एक्स वाई प्लेन में है ना, वाई जेड प्लेन में है ना, जेड एक्स प्लेन में है, स्पेस में है, ये हवा में, ऐसे बोलो हवा में वेक्टर, वेक्टर पोजीशन वेक्टर हवा की ओर जा रहा है, स्पेस बोलते हैं इसको, स्पेस, ठीक है। सो स्पेस में, अब ये वेक्टर जो है कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगा, कुछ एंगल वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगा, और कुछ एंगल एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं गामा, ये नाम दिया गया, क्योंकि ये तीनों एंगल हमको वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए 3D में जरूरत पड़ेगी। 2D में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2D में ये जेड एक्सिस को निकालते हैं, 2D है हमारा, ये 2D है, 2D में कोई वेक्टर लेते हैं तो केवल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता देते हैं, काम बन जाता है, 10 अल्फा लगाते हैं या 10 थीटा, और वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं, निकल जाता है, भैया में क्या, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ये, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, एक कॉस थीटा, ए साइन थीटा, एक कॉस थीटा वही हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल के हिसाब से हम लोग बताते हैं, वाई के साथ एंगल नहीं बताते जनरली एक्स के साथ। और 2D से ही अपना काम फिजिक्स में मैक्सिमम पार्ट चल जाएगा, मानी कि 95% केस में तुमको 2D से काम बन जाएगा, बट 3D की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अब कैसे जरूरत पड़ती है वो समझाता हूँ, 3D में समझ आ गया। तो वी डिफाइन 3 एंगल्स इन 3D, ओके, फर्स्ट एंगल इज अल्फा, ऐसे रखा रहेगा, ओके, फर्स्ट एंगल इज अल्फा, तो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको अल्फा बोलेंगे, वाई एक्सिस जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलेंगे, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको गामा बोलेंगे, ठीक है। सो तीन एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें, 3D में, किसमें, 3D में। अब देखो कैसे करते हैं, सुनो, अब मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ ना, एक पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में नहीं है, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये बोर्ड इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, ये ऐसे नहीं है वाई जेड प्लेन, बल्कि वाई जेड कैसे प्लेन है, मेरा हाथ देखो, एक्स वाई प्लेन ऐसे है, मेरा हाथ देखो बोर्ड पर है, ओके, इधर ना बाबू जल्दी पानी मार के आओ, जल्दी ले आओ ना, फ्रेश होकर आना, जाओ जाओ पानी पी लो थोड़ा सा, आ जाओ, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, बेंच पर हाथ रहो, देखो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और ये जो वाई जेड, जेड कैसे आया हुआ, वाई ऐसे और जेड ऐसे, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन हाथ देखो, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, और ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या है, हाथ देखो, ये है एक्स वाई प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन, और ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन, समझ आया? तो तीन प्लेन होता है, जो कि हम लोग थोड़ा सा बात किए थे वहाँ, चर्चा किए थे, चलो ठीक है। सो अब ये पॉइंट पी है ना, दिस पॉइंट इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, ये हवा में ऐसे है, लटका हुआ ऐसे स्पेस में है, ये पॉइंट का है स्पेस में, जब होगा तो x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, और तो मैं देता हूं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, वो yz प्लेन से डिस्टेंस होता है, किसी पॉइंट का yz प्लेन से x कोऑर्डिनेट कहलाता है, किसी पॉइंट का yz प्लेन से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट कहलाता है, किसी पॉइंट का xz प्लेन से कोऑर्डिनेट डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट कहलाता है, किसी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट चलाता है। थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुनना, ये क्या है तुम्हारा, क्या वाला एक्स एक्सिस, ये लाल वाला क्या है, और ये ब्लू वाला क्या है, हो गया। अब ध्यान देना अच्छा से, सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुलाइज होना चाहिए, वैसे मैथमेटिक्स में इसको पढ़ना ही है, फिर भी मैं पकड़ाता नहीं है,
चलो चलो थोड़ा सा हो गया ये दिख रहा है क्या? अब सुनो मेरा हाथ देखना, ये तुम्हारा x एक्सिस बोले, ये y एक्सिस बोले, तो ये जो प्लेन है, जो प्लेन है, ये प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, क्या बोलेंगे? और ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको बोलेंगे y z प्लेन, और इसको बोलेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? अब पॉइंट अभी यहां पर है, मेरा उंगली देखना, पॉइंट कहां पर है? ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में, ना अभी इस पॉइंट का, ये इधर वाला प्लेन बताइए, ये वाला प्लेन कौन है? एक्स वाई प्लेन। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? देख रहे हो क्या? ये जो डिस्टेंस होगा एक्स वाई प्लेन से, उसको कहेंगे जेड कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे? समझा? और इसी पॉइंट का वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे? वाई जेड में एक्स गायब है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जेड में वाई गायब है, वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई पे जेड गायब है, जेड कोऑर्डिनेट, क्या समझ रहा है? और इसी पॉइंट का जो ये एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है ये वाई कोऑर्डिनेट, क्या समझ आया? अच्छा यही पॉइंट सुनो, अच्छा से सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, ये पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा जेड कोऑर्डिनेट है। अगर ये पॉइंट सीधे उठा करके वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में डाल दिया जाए तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट चला जाता है तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई प्लेन से ही डिस्टेंस होता है। विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और उसी पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो अगर वाई जेड प्लेन में ही आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ओके, अगर मान लो कि एक्स एक्सिस पे आ गया तो वाई भी जीरो हो जाएगा, जेड भी जीरो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करने वाली बात है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं वो शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, तुमको चिंता नहीं करना। तो ये भी पॉइंट जो है, समझ जाओ कि ये तुम्हारा प्लेन में नहीं है बल्कि स्पेस में है, दिस पॉइंट इन स्पेस, क्योंकि 3D को विजुलाइज करना जरूरी है, विजुलाइज करना जो है एकदम अच्छा से। तो दिस इज आवर ओरिजिन, ओके, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ जब जब ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हैं ना तो बच्चा लोग थोड़ा पछता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, कहता इस तरह परपेंडिकुलर किस नजरिए से है, तो हम कहे थोड़ा नजरिया बदलो, ओके, सोच बदलना पड़ेगा इस केस में। तो ये जो है वाई जेड जो है तुम्हारा, ये बोर्ड पर नहीं है बल्कि जेड प्लेन, जेड प्लेन के जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर निकला हुआ, या तो आउटसाइड या तो इनसाइड, क्या भेजा में भेजा रहा है? उसके अलावा पी पॉइंट हो गया, अब इस पॉइंट को हम सीधे क्या करेंगे, ओरिजिन से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर वेक्टर बनाएंगे, ओरिजिन उसका टेल होगा, और वो पी पॉइंट जो है उसका हेड होगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? तो ओपी वेक्टर को बोलते हैं पोजिशन वेक्टर, जोर से बोलो, किसका, पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर। में हमेशा याद रखना कि पोजिशन वेक्टर में उसका टेल जो है फिक्स होता है ओरिजिन, जैसे पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ओपी, ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ओए, बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ओबी, यानी ऑलवेज रिमेंबर पोजिशन वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें पोजिशन वेक्टर लिखना होता है उसको ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट की ओर मिला देते हैं। हाँ, टेल हमेशा ओरिजिन पे, हेड हमेशा उस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट के वेक्टर को अगर लिखना है ना, कैसे लिखेंगे ध्यान सुनना, सीधे सीधे लिख देंगे, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जेड कोऑर्डिनेट को के कैप से। पुछुक सा लिखो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, किसी दिक्कत? बड़ा आसान है, जैसे लिखा रहेगा 3 2 1, 3 2 मतलब क्या हुआ कि वो x, देखो मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, देखो 3 2 1 मतलब क्या हुआ कि स्पेस में ये पॉइंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, x लेंथ चला होगा 3, वो पॉइंट मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ लेंथ चला होगा 3, लेंथ चला होगा 3, y चला होगा 2, और z चला होगा 1, समझ आते को, मैंने लेंथ में 3 कवर किया होगा, विड्थ में 2 कवर किया होगा, और हाइट में वो ऑब्वियसली है, जब कोई चीज़ हवा में उड़ती है ना तो वो 3D मेंटेन करती है, लेंथ भी चलती है, विड्थ भी चलती है, हाइट भी चलती है। जैसे मेरा देखो मार्कर, देखो अभी मार्कर हम ले जा रहे हैं, मार्कर को बोर्ड पे चला रहे हैं ना, तो इसमें केवल मार्कर, जो मार्कर का पार्टिकल है जो चल रहा है, और मार्कर का पार्टिकल, तो ये पार्टिकल केवल लेंथ कवर कर रहा है और विड्थ कवर कर रहा है, हाइट कवर नहीं कर रहा है, क्या फील हो रहा है? ले दो, यहाँ गया, यहाँ पर पार्टिकल गया, तो इतना लेंथ चला, इतना हाइट चला, यहाँ गया इतना लेंथ चला, इतना यहाँ गया इतना लेंथ चला, इतना यहाँ गया इतना लेंथ चला, इतना समझ रहे हो? हाइट ना बोलो, विड्थ बोल दो, विड्थ चौड़ाई बोल दो, ठीक है?
अगर कोई पार्टिकल दो, अब हम ऐसे कुछ पार्टिकल को मेरा हाथ देखो, ये दो, ये है दो, हम ऐसे ले जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, क्या हो रहा है देखो ना, क्या हो रहा है, इंसेक्ट जो चलता है, कीड़ा चलता है, मच्छर चलता है, तो वो थ्री डी में चलता है, उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, तीन तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जिस मोशन में तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो, ओके, तीन तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो मोशन, तीन जिस कोऑर्डिनेट मोशन में तीन तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो एक पॉइंट का, समझ जाओ, उसको बोलते हैं थ्री डी मोशन। क्या बोलते हैं? थ्री डी मोशन। क्या बोलते हैं? यस, मच्छर का उड़ना, मक्खी का उड़ना, भिन बिनाना, जो भी कहो, दैट मोशन, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डी मोशन। ओके, दो कोऑर्डिनेट मोशन क्या कहते हैं? टू डी मोशन। समझे बाबू? आओ ना, फ्रेश होकर ना, नींद आ रहा है, चलो ध्यान दो। सो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, बात खत्म। ओके चलो, अब तुम लोग बताओ कि ये जो वेक्टर है स्पेस में है, ये कुछ ना कुछ एक्स एक्स साथ कुछ एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा। जोर से बोलो, गुड। वाई एक्स जो एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे बीटा, नॉट बेटा। यस, ये आर वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ना लिखे चलेगा। एंड आर जेड एक्स साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एक बात बताया तुमको, यकीन नहीं होगा लेकिन तुमको हो जाएगा, कोई भी वेक्टर ना कोई लाइन के साथ दो एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है? एक एंगल होता है अल्फा तो दूसरा एंगल होता है पाई माइनस अल्फा, एक होता है 30 डिग्री तो दूसरा, यकीन नहीं हो रहा ना, हो जाएगा ये। एक लाइन ये, एक लाइन ये, इनके बीच में दो एंगल बने, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल एक एक्यूट बनता है, एक ऐसे बोलते एक थीटा बनता है, एक 180 माइनस थीटा बनता है। अरे बुझेगा ना, लेकिन जब भी हम लोग एक वेक्टर के बीच का लाइन किसी एक्सिस के साथ एंगल की बात करते हैं तो हम लोग छोटे एंगल को ट्रैवल करते हैं। कौन एंगल को? ऑलवेज रिमेंबर, याद रहेगा बात। तो यहां पर जो ये वेक्टर है एक्स एक्सिस का दो एंगल बना रहा है, एक तो अल्फा बना रहा है, एक गोल घुमा के पूरा। अरे बुझेगा ना, ना समझ आ रहा है? तो 3D में ये 360 माइनस अल्फा बनाएगा, 3D में ऐसे बोल सकते हो। फिर भी चलो हाँ, लेकिन हम लोग अल्फा की बात करते थे, केवल छोटा का एंगल लेंगे, कौन एंगल लेंगे? हाँ चलो। सो यह बात जो पी, ये जो है पी कैसे ऐसे है ना, ऐसे ना रे, ये वेक्टर और जेड एक्सिस ऐसे ऐसे, इनके भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो ये एंगल को मैं दिखा रहा हूँ, ये एंगल को, ये एंगल ओरिजिन को इधर दिखा देगा, इसको बोल देंगे गामा। क्या बोल देंगे? क्या फील हुआ? ये मतलब ना सर, इधर वाला कहा ले लिया एंगल, फील आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। ओके, मेरे ऊपर छोड़ दो, ये आर वेक्टर है। क्या बात है बताओ? चलो तब सुनो ना, ओपी वेक्टर को मैं आर वेक्टर भी लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अच्छा, मैग्नीट्यूड लिखना हो आर वेक्टर का तो फटाफट बोलो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अरे मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ही तो होता है वेक्टर का। अब तुम बताओ ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0। अब बचपन में आज से 200 साल पहले 10th क्लास में एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। कौन से जेड कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो सिंपल होता है, क्यों तो कॉर्डिनेट पढ़ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ऑरिजिन एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ना होगा। भैया मजा रही है? ये बड़ा ईजी है, इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, 3D को विजुलाइज नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, मिक्स हो जाता है। ओके भैया मैं गया, अब बात कर लेते हैं अल्फा का। चलो अल्फा के बारे में बताओ, अल्फा क्या है? बताओ अल्फा क्या है? मैं एंगल बोलो, एंगल, एंगल मेक, ओके बाय मेक विद द एक्स एक्सिस ना, विद एक्स एक्स का इतना लिख देता हूँ। कौन बना रहा है? वेक्टर बना रहा है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, वेक्टर की बात हो ही रही है, अंडरस्टूड है। बीटा के बारे में क्या बताया? एंगल मेक विद, कछु दिक्कत किसी को? और गामा के बारे में बताओ, कोई दिक्कत किसी को? एक बार बताओ, अल्फा का दो कंपोनेंट होगा कि ना होगा? अगर उसी तरह 2D के साथ सोचो तो, लेकिन हमको टू का दो तीन कंपोनेंट बना सकते हो जेड को एक्सिस के अलोंग भी, लेकिन हम लोग केवल उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग ही कंपोनेंट लेंगे। तो जब एक अल्फा तो इसी का प्रश्न कर रहा है, तो कॉस अल्फा तो कौन बोलो? आर कॉस अल्फा बोलो जल्दी। ये जो वेक्टर बनेगा, ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये क्या बनेगा? ये एक्स है, एक्स बनेगा आर कॉस अल्फा। जल्दी बोलो, दिल से बोलो, इसके अलोंग बोलो, कह लो बीटा ना, तो बताओ। ये यहाँ ना लिख करके मुझे परेशान मत करो, ये एक्स है, ये वाई है, मान लो तो मैं लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, जल्दी बोलो। वाई इक्वल टू साइन नहीं लेना है बबू, खाली बीटा कॉस लेना है, सिर्फ कॉस, क्योंकि बीटा टचिंग है, बीटा क्या है? तो अगर अल्फा लेते तब करते कि आर साइन अल्फा, बट साइन अल्फा लेना ही नहीं है,
फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी ले लो आर साइन अल्फा लेंगे सर, हम आपकी बात ना मानेंगे, तो हम कहेंगे अल्फा को बीटा के टर्म में लिखो, कैसे टर्म में लिखो, हाँ लिखोगे साइन 90 माइनस बीटा, क्या लिखोगे, कैटोडा लेंगे तो 90 ना, अब साइन 90 माइनस बीटा क्या हो जाता है, कॉस बीटा, इतना तो यकीन हो गया। सो साइन की कोई जरूरत नहीं है, कैसे कर दिया सर 90 फीटा फीटा, कुछ नहीं करना है, 3D में केवल कॉस का इस्तेमाल करना है, साइन का इस्तेमाल करना ही नहीं है, ना बाबा ना, इतना बोल दो खाली, ठीक है। ये वाई है बउआ, दो बिट्टू बोलने वाले थे, जेड क्या बोल दिया, आर कॉस गामा, क्या समझा, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस गामा, यहां से कॉस अल्फा को अकेला करो, कॉस अल्फा को, कॉस अल्फा को अकेला करो बाबू, प्योर मैथ है, प्योर मैथ है, ओके, एंड दिस काइंड ऑफ मैथ यू हैव, यू विल ऑल्सो स्टडी इन मैथमेटिक्स, सो डोंट वरी, ओके। कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाय आर, कॉस बीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, वाई बाय आर, एंड कॉस गामा इक्वल टू जेड बाय आर, याद रहेगा, ये जो कॉस अल्फा है कॉस बीटा है, पहले याद ना, 3D में किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन बताना होता है तो डायरेक्शन बताने के लिए एंगल लेते हैं, और वो एंगल 3D में हम लोग अल्फा लेते हैं, बीटा लेते हैं, गामा लेते हैं, यही हमारा उस वेक्टर के लिए डायरेक्शन माना जाएगा। जब भी हम लोग 3D में, बोलो 3D में डायरेक्शन की बात करेंगे वेक्टर की, तो तीन एंगल फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा गामा, दैट्स व्हाई दिस एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, और चूंकि कॉस निकल गया तो अल्फा भी निकल जाएगा, कॉस बीटा निकल गया तो बीटा भी निकल जाएगा, कॉस गामा निकल गया तो गामा भी निकल जाएगा, सो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्शन पता करने के लिए अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, साइन का इस्तेमाल नहीं करते, कोसाइंस का इस्तेमाल करते, कॉस का असली नाम क्या है, कोसाइन, टेन का असली नाम क्या है, टेंजेंट, तो कॉस का असली नाम क्या है, कॉस का वो जो निक नेम है वो कॉस 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 निक नेम बोल सकते हो, ओके, अरे ये बुझेगा नाट, तो इन सबको क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, मैं यहाँ पे स्टार देख लिख रहा हूँ, ए बाबू सिद्धारा वाली दांत बाहर आ रही है तुम्हारी, कॉस गामा, ओके, दीज आर कॉल्ड, बोलो आर कॉल्ड, बोलो ना, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, सो डोंट वरी, ओके। अब कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी है, क्या करनी है, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा फील करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए, फील करवाने के लिए, तो एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, और एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन सब निकाल के देखते हैं, समझ आ गया, अब तब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, चिंता नहीं करो, आराम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ओके, चलो पहले एग्जांपल करते हैं, मेरे पास एक वेक्टर है 2, 3, -4, एक वेक्टर, अच्छा एक और जानकारी की बात यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये नीचे दिखेगा क्या, हाँ देखो, इन बोलो इन एक्स वाई प्लेन, क्या बोलोगे, काम का चीज़ है, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ओके, इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड में कौन गायब है, कौन गायब है, जल्दी बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इन एक्स जेड प्लेन कौन गायब है, तो वाई जीरो होता है, ठीक है, दिख रहा है क्या, चलो एक और बात पॉइंट करके लिख देता, लिखिए देता, एग्जांपल करते हैं उनको, यहां लिख देता यहीं पे, चलो अब बताओ, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई भी जीरो होता है, बोलो जेड भी जीरो होता है, खाली एक्स कोऑर्डिनेट बचा रहेगा, चलो 3D की बात हो रही है, सारी बातें 2D में खाली बोलते थे, ओ x x y कोऑर्डिनेट जीरो, y x पे x कोऑर्डिनेट जीरो, इतना, चलो आप बताओ, एट y एक्सिस, जल्दी बोलो, कौन कौन गायब है, x जीरो z जीरो, एट z एक्सिस, बोलो ना जोर से, y जीरो एंड z जीरो, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को, जा y जीरो, और ओरिजिन पे, ओरिजिन पे बोलो जीरो जीरो जीरो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, याद रहेगा, याद रहेगा, एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो, जल्दी बताओ, एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो,
वाई जेड प्लेन में, एक्स जीरो, एक्स जेड प्लेन में, जो गायब वो नहीं है, मरा हुआ है समझो। अरे बुझिए नाट, ओके कट गया, कौन कट गया, मैंने ना कटा, कहा कटा है तुमको दिख नहीं रहा है, तुमको बता रहे, ओके चलो भाई तुमको दिख नहीं रहा है, चिंता नहीं करो, तुम दूर होने से लिया। एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल सुनो, सुनो ए मैरूना, सुनो ए टू थ्री माइनस वन एंड बी है जीरो वन टू, जीरो माइनस वन फोर, दिख रहा है क्या, बताओ ये बताओ, ये तो स्पेस का पॉइंट है, बट ये पॉइंट कहाँ पर है बताओ, कौन प्लेन में, जोर से बोलो, वाई जेड प्लेन में, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, वाई जेड प्लेन में है कि नहीं है। अब मुझे ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, ए बी वेक्टर लिखना भी है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन बताना है। तो पहले ए बी वेक्टर लिखो, याद करो ए बी वेक्टर कैसे लिखें, ध्यान से देना, ए बी वेक्टर क्या बोलेंगे, बी में से ए घटाएंगे ओ बी माइनस, याद है कि नहीं है, कल कल पढ़ाया था, तो बताओ एक्स टू माइनस एक्स वन, बोलो आई कैप याद आया, वाई टू माइनस याद आया, जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन माइनस माइनस, दिख रहा है, कोई डाउट किसी को, टच कर दो, अब बताओ कितना हो गया, माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, दिस इज वेक्टर ए बी, ये अपना वेक्टर ए बी आ गया। ए बी निकालने के लिए बी में से ए घटाना, ओके एक्स टू माइनस एक्स वन, और बी ए निकालने के लिए बोलता था ए में से घटाते हैं, याद है कि नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कौन वेक्टर है, हाँ अब सुनना है, सुनना है, मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, क्या निकाल दो, मैं इसको ए बी को ना आर बोल देता हूँ, मुझे पसंद है आर, क्या बोल देता हूँ ना, बोलोगे आर, चलो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत, अरे माइनस नौ भी लोगों का काम चलेगा, चार 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 बोलो कितना हो गया, कितना हो गया 45, 45 से बाहर निकलेगा, हो गया, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कहा पढ़े थे, कॉस अल्फा बराबर एक्स बाय आर पढ़े थे, एक्स क्या होता है, एक्स कंपोनेंट बताओ, एक्स कंपोनेंट कितना, जल्दी जल्दी जल्दी, माइनस टू, माइनस टू, और आर कितना निकला है, अब मुझे अगर एंगल चाहिए तो यहाँ से तो वैल्यू, तो कॉस का कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, तो अल्फा को क्या कर लो, दिख रहा है मोबाइल में, दिख रहा है, समझे बात को, याद है ना, जिसका वैल्यू अगर कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2 आया था तो 60° कर देते हैं, बट ये वैल्यू तो तुम जानती नहीं हो, तो सीधे अल्फा चाहिए मुझे, एंगल चाहिए, कॉस इनवर्स लिख दो, चलो अब कॉस बीटा निकालो, बाय बाय यार, अरे ये पढ़ के आए हो भाई, बाय बाय यार, बाय का वैल्यू था, बाय का वैल्यू, आर का वैल्यू बोलो, चलो यहाँ से बीटा निकाल दो, बेटा क्या हो जाएगा, माइनस फोर बाय थ्री रूट फाइव, चलो ये एंगल जो है ना, ये तो 100% नहीं कि 90 या 180 के बीच में है, क्या कॉस की वैल्यू 90 और 180 के बीच में निगेटिव होती है, ऑब्वियसली है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कॉस गामा बोलो, जेड का वैल्यू बोलो, फाइव बाय, दिख रहा है बाबू नीचे, तुम चाहो तो एक फाइव से रूट फाइव करके काट सकते हो, क्या कर सकते हो, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट फाइव बाय थ्री, कर दे सीधे, अरे ये फाइव है ना, तो एक फाइव को दो बार रूट फाइव इतना गौर से देखो खा जाएगा, देखो या देखो बबुआ की तरह समझा, देखो ए बबू बबू बचपन में ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे कभी कभी, याद है पाँच रूट पाँच, रूट पाँच, रूट पाँच कितना, पाँच, पाँच से पाँच खल्लास, भेज गया, मैं करके दिखा चुका हूँ, इसलिए करके दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ आ जाए, हो गया निकल गया, निकल गया, सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मैंने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले एंगल है, तो 3D में हम लोग 10 अल्फा से काम नहीं चलाते हैं, बल्कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीन तीन एंगल निकालने होते हैं, और वो सब में कॉस ही निकालना होता है, इसलिए इसको बोला गया डायरेक्शन कोसाइन, ये जो वैल्यू आया इसको तो कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ये जो आया वो डायरेक्शन एंगल्स है, आर यू बूझिंग नॉट, तो पहले क्या करोगे, ये सारी बातों को लिखोगे, ये सारी थ्योरी को लिखोगे, तब वहां से आओगे पूरा बात को एग्जांपल लिखोगे, अब कुछ खास बातें और मैं बताता हूं, ओके जस्ट आफ्टर दैट, ओके बनाओ फिगर, ओके
ओके देखिए आप लोग, सो लिख चुके हैं आप लोग सब, मैं इसको मिटा सकता हूँ। एक चीज़ और बताओ, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है अगर आपको, यानी कि अल्फा बीटा गामा निकालना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और आर चाहिए, एक्स कंपोनेंट और आर। आर क्या है? मैग्नीट्यूड। आर क्या है? मैग्नीट्यूड। आप आराम से निकाल सकते हो कोई वेक्टर का, समझाया बात को? तो एक तो ये कि एक्स कंपोनेंट और आर निकल जाए तो आराम से तुम कॉस अल्फा, मान लो थोड़ा देख लिया, अल्फा बीटा गामा ही पता है हमको, एंगल ही पता है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा, कॉस बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, कॉस गामा का वैल्यू, यानी एंगल पता होने से तुमको कोसाइन निकाल सकते हो। तो एंगल पता तो डायरेक्शन ही पता, सिंपल सा बात है, तो कोसाइन निकाल सकते हो। क्या समझे? देखो मैं बेटा बताता हूँ, तुमको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। देखो सब जो ध्यान यहाँ होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का, सब अच्छा ध्यान यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलावा भी तो वेक्टर ले सकते हो, तो ध्यान दो, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं डी सी एस, मैं शॉर्टकट नहीं लिखूंगा, पूरा लिख दूंगा, पूरा लिख रहा हूँ भाई, फिगर भी मिटा रहा हूँ। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, कोई बता सकता है क्या? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस कितनी, कोसाइंस का मतलब कितना होना चाहिए? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अगर अल्फा बीटा गामा पता चल जाए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए, बहुत ईजी है। कॉस अल्फा मैंने कि एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होगा उसी का मुझे निकालना है। बताओ ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये कोई वेक्टर है, सुनो जो बता रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे आ गया, खुद से बताओ कि अल्फा का वैल्यू कितना है। अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा जो वो एंगल है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, बीटा वो एंगल है जो वो वेक्टर वाई एक्सिस के बनाएगा, गामा वो एंगल है जो वो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाएगा। तो अगर ऐसे आ गया, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे आ गया, दिख रहा है क्या सबको? हाँ, तो x एक्सिस के साथ एंगल जीरो, अल्फा जीरो, y एक्सिस के साथ कितना 90, और जेड एक्सिस के साथ भी तो 0 90 90, डायरेक्शन एंगल तो पता चल गया, डायरेक्शन एंगल पता चल गया तो आराम से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। चलो y एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस का, y एक्सिस का एंगल कितना होता है? एंगल कितना x, पहले देखोगे x एक्सिस के साथ अल्फा का वैल्यू जीरो, सॉरी अल्फा का वैल्यू 90 x एक्सिस के साथ, और बीटा का वैल्यू जेड, और गामा का वैल्यू, अब चलो जेड एक्सिस का, अगर मान लो जेड एक्सिस का निकाला हूँ तो अल्फा का वैल्यू 90, बीटा का वैल्यू 90 और गामा का वैल्यू 0। क्या समझ आ रहा है? सिंपल सा बात है, कितना इजी है। अब देखो तो बताओ केस में का एंगल कितना बना? 0 90 90, कॉस 0 का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता, पहले देखो एंगल हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री एक्स एक्सिस के केस में, एंड बीटा का वैल्यू हो गया 90, गामा का वैल्यू हो गया 90, क्योंकि x एक्सिस की तो बात हो रही है। इस केस में cos अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, cos अल्फा का, अल्फा करना 0 1, cos 90 का वैल्यू cos बीटा यानी cos 90 कितना हो जाएगा? 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और cos गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि गामा भी कितना है, ये पहली बार पूरा स्टेप करके बना के दिखा रहा हूं मैं। चलो यानी डायरेक्शन कोसाइन कितना हो x एक्सिस का? 1 0 0, तीन डायरेक्शन कोसाइन होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इस तरह लिखेंगे, क्लियर हो गया? चलो उसी तरह बोलो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ये एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, बोलो जल्दी बोलो, 0 1 0, कोई दिक्कत? समझ गए? तीसरा बोलो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन छूट गया, चलो, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस बोलो कितना? 0 0 1, क्योंकि एंगल बनेगा 90 90 0 डिग्री, समझ आ गया? अच्छा समझाया? और अब ध्यान दो, लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताता हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसको, इधर वाला ऊपर नहीं मिटाऊंगा, मुझे पता है कि तुमको लिखे नहीं हो। एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, आर क्या था? मैग्नीट्यूड ना, अरे वेक्टर का आर क्या था? अगर मान लो तुम्हारा पॉइंट पी है, यानी कि पोजिशन वेक्टर जो है तुम्हारा पी, पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये तुम्हारा ओरिजिन है, क्या है ये ओरिजिन है, ओके तो आर वेक्टर जो लिखोगे ऐसे, आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर, तो आर कैसे लिखोगे? था एक्स आई
वाई जे एंड जेड क्या, मैग्नीट्यूड कितना होगा आर का बता दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रूट होगा ना, मैं रूट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर। अब एक चीज सारे बच्चों ध्यान यहाँ होना चाहिए, सुनो रे मिस्टर इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, कॉस अल्फा कितना था एक्स बाय आर आए बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बेस, कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू बोलो, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा अभी तुमको, इसका वैल्यू बोलो। अब मैं बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग बात, ध्यान सुनो क्या करते हैं, एक रिलेशन होता है बहुत ही फेमस रिलेशन है, वो रिलेशन को बताता हूँ, ओके सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो जी ओके चलो, सो क्या करते हैं, एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ओके देखो कितना होता है, कॉस अल्फा का वैल्यू बोलो एक्स बाय आर का होल स्क्वायर कॉस बीटा वाई बाय आर का स्क्वायर कॉस गामा, एलसीएम बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर, जल्दी बोलो, सो आर स्क्वायर वाई आर स्क्वायर कितना, दिस इज द फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर योर फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारे क्वेश्चन आंसर वेक्टर इसमें वेक्टर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इस रिलेशन का क्या फायदा जानते हो, मान लो कोई दो दो डायरेक्शन एंगल पता है अल्फा बीटा पता है गामा निकल जाएगा, गामा पे पता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, ऐसा तुम चाहो ना इसको तो साइन स्क्वायर में बदल के लाना, कॉस स्क्वायर को बदलो तो कॉस स्क्वायर को लिखो तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो वन यहाँ आया कॉस स्क्वायर बीटा बोलो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन वन टू हुआ, हाथ में टू रखे ना ना बाबा पैचा पैचा, इसको बोलो वन माइनस का साइन स्क्वायर गामा, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कितना तीन, एक में तीन तीन में से घटा दो। अब हमने कैसे किया हमने नहीं, हम बताएंगे ना, हम वो तुम खुद से करोगे, कॉस स्क्वायर का अल्फा का फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, अपने आप ये कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, समझा बात को ना, समझा बताना पड़ेगा फिर से, अरे कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर वन, ये वन ये वन ये वन कितना वन, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, जब तक बताएंगे जब तक तुमको तसल्ली नहीं होगा, वन ये वन को इधर ही आओ इसको उठा करके तीन में से गया तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तुम काहे चिंतन मूड में चले गए यो, तुमसे बात कर रहे हो या तो ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है, सोचता हूँ कि तुम्हें सोचना छोड़ दूँ ये तस्वीर उसकी रोज देखना छोड़ दूँ लिखो लिखो लिखो, बेचारा टेंशन में चला गया है, नोट करो एक बात सुनो एक अच्छा से, थ्री टी वाले जितने कंसेप्ट है ना ये आपको ज़्यादातर यूज नहीं होंगे, यानी कि डायरेक्शन एंगल वाला डायरेक्शन कोसाइन वाला ज़्यादा यूज नहीं होंगे, बट चूंकि असाइनमेंट का जो मैंने दिया क्वेश्चन आप लोगों को उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया और फिजिक्स में आगे जो जरूरत पड़ेगा एंगल निकालने के लिए कभी भी, तो 2D की बात हम लोग ज़्यादातर करते हैं, 2D में ज़्यादा हमारा काम डील होता है फिजिक्स में, ठीक है, तो 2D में टेन अल्फा इस्तेमाल करते हैं, टेन अल्फा से वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं एंगल निकल जाता है, सीधा सा बात है, बाकी आई जे कैप तो हर जगह इस्तेमाल होगा आपको जहां भी जाना होगा तो, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में वेक्टर में दो टॉपिक अभी बचा हुआ है, वो दो टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, एक है डॉट प्रोडक्ट है एक है क्रॉस प्रोडक्ट, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने पूरे वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, तो एक लेक्चर शायद हम देंगे मल्टीप्लीकेशन में डॉट को और दूसरा लेक्चर देंगे क्रॉस को, क्रॉस को हो सकता है कि एक से ज़्यादा लेक्चर देते हैं, ओके लेकिन आपको दो तीन लेक्चर में क्या होगा आप चैप्टर ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल जितना भी था सारा मैंने कवर
कर दिया अगर वेक्टर खत्म हो गया तो। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कवर करते हैं क्या। ओके एक मिनट, दैट्स ऑल।